रिजल्ट उम्मीद कर रहे थे। मैं लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बता दें बड़ी खबर इस वक्त एमपी में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, 130 पर 31 पर दिखाई दे रही है इस वक्त बीजेपी, और एमपी में शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बड़ी लीड ले ली है। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है और एक झटका देने वाली खबर कम से कम इस वक्त दिख रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि 2018 से बेहतर रिजल्ट कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है। शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं उसमें बीजेपी को फिलहाल बहुमत दिख रहा है, 131 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, हालांकि टैली में वो थोड़ा सा पीछे एक सीट 130 पर दिख रही है, लेकिन क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है और ये सिलसिला अगले 1-1.5 घंटे और चल सकता है। और विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत दतिया की स्थिति बताइए, क्या फिलहाल शुरुआती रुझानों में अपडेट मिला है वहां से? कौन है मनोज? की बात की जाए तो लगातार जैसा कि शुरुआत से हम बता रहे थे कि 8 से 8:30 तक बैलेट पेपर की यहां पर काउंटिंग की गई और 8:30 से लेकर लगातार यहां पर ईवीएम मशीनों की अब गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन शुरुआती रुझान की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी से यहां से प्रत्याशी है वो फिलहाल यहां से थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि काउंटिंग के नतीजे कुछ और होंगे, लेकिन आप यहां पर नजारा देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके इधर काउंटिंग स्थल की तरफ जो बाहर का प्रांगण है वहां पर एकजुट हुए अपने समर्थकों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए। और यहां पर ये देख भी सकते हैं कि देखिए खुद यहां पर जो प्रत्याशी है भांडेर से जो प्रत्याशी है वो सामने यहां पर नजर आ रहे हैं, अपने स्थल पर पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत की जाएगी वो अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है। लेकिन दतिया सीट एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से दतिया से खुद नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान से हैं और जो उन्होंने कायाकल्प यहां से किया है, जो विकास की योजना यहां पर लेकर आए हैं, जो सरकार की योजना थी, चाहे लाडली बहना की बात की जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, उन सबको लेकर भी यहां पर जनता जो है वो कितना उनसे प्रभावित दिखाई देती है, क्या कुछ वो कहते हैं ये भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर हमारे साथ आप पहुंच चुके हैं, यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे जीत के प्रति? जीत के प्रति मैं 1 करोड़% आश्वस्त हूँ, 100 भी नहीं, 1,00,000 भी नहीं, 1,000 भी नहीं। और ये जीत जो होने वाली है वो दामोदर यादव की जीत नहीं बल्कि सौड़ा क्षेत्र के जो जनता है, जो लाखों लोग हैं वो पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि इस बार वो परिवर्तन लाके एक नए राजनीतिक दल को लेकिन पुराने संघर्ष के साथी को मौका देने वाले हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अभी जो रुझान आ रहा है उसमें कहना कहीं भाजपा जो है वो सबसे पहले तो मैं स्योड़ा का आपको बता दूं कि स्योड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से आप पूछ लें, अभी गए होंगे अंदर कांग्रेस वालों से पूछ लें, दोनों ही कहेंगे कि उनकी टक्कर मेरे साथ है, ठीक है, तो इसलिए दामोदर सिंह यादव मेरा नाम है, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। और दूसरी बात, जहां तक रुझानों की आपने बात कही है, चाहे सरकार बने भाजपा की चाहे बने कांग्रेस की, हमें इससे परवाह नहीं है, मुख्यमंत्री जो बनेगा वो स्योड़ा का काम उसको करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर दावे अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दतिया का भी जानना चाहूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं लौट रहा हूँ विनीत आपके पास कि क्या स्थितियां बनती हैं यहाँ पर, और जो निर्दलीय हैं या फिर दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अपनी जरूर यहां पर बता रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को लेकर इस वक्त ये खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। संजय देवांगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी मेरा ऑडियो आपको मिल पा रहा है? ठीक है तौकीर रजा जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बन रही हैं, ये अब क्या ट्रेंड सेट हो गया यहां से और ये क्या बना रहेगा? देखिए बिल्कुल बना रहेगा, उसका कारण यह है कि जो विकास की गंगा मानी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लगभग 20 वर्षों से जो वहां बही है वो सबने देखा है। हम भी मध्य प्रदेश शासन में जब हमने देखा था कि वहां पर भाजपा शासन के पहले बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, घंटों लाइट गोल हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई जब से शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नेतृत्व किया मुख्यमंत्री पद से, तो उसका रिजल्ट पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि विकास उन्होंने जो
विकास की गंगा जो बहाई है वाकई वो देखने मिलता है और उसका रिजल्ट है और उसके कारण से लेकिन छत्तीसगढ़ में आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं छत्तीसगढ़ अभी पिछड़े नहीं, अभी तो शुरुआती है। अभी देखिए, अभी हम देखिए, इन्होंने तो 10 बताया ना, दहाई का आंकड़ा भी पार करने की बात कर रहे थे और ये तो 75 प्लस की बात कर रहे थे। अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी इनके 40 है तो हमारे 37 हैं जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से तो अभी हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, घटका ठीक। आवेश जी कुछ कहना चाहते हैं? राजा जी से सवाल करना चाहता था, मैं यही पूछना चाहता था कि मैं देख रहा हूं कि मोदी जी जिन जिन क्षेत्रों में सभाएं किए, जिन जिन विधानसभाओं में जाके उन्होंने सभा की, लगभग सभी क्षेत्रों में रायपुर में भी पीछे चल रही है बीजेपी। इसकी वजह क्या मानते हैं वो? रायपुर की 3 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट में थोड़ी नहीं, नहीं। दिख रही, लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, इसको हम पूरे वोट रिजल्ट नहीं मान सकते। तो हम ये तो रायपुर की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में भी आप देखिए कि हमने देखिए हम बताया ना कि हम 13 से अगर अभी आपके यहाँ 40 दिखा रहे हैं, 38 दिखा रहे हैं, तो इससे आप अंदाज लगाइए, हम 4-3 गुना से 4 गुना बढ़ चुके हैं। और अभी शाम दोपहर तक आप बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको कि हम जो है बाकायदा जीत की ओर अग्रसर है और जीत के हम आएंगे। ठीक, लेकिन अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि एनालिसिस इसका होगा कि किसने कहां प्रचार किया था। फिलहाल तो देखिए 40 पर पहुंची है, बहुमत से नीचे आ गई है कांग्रेस। और संजय जी, ये पहले आप बढ़त में दिखे थे, विनीत कुछ कहना चाह रहे, पहले विनीत से कुछ डिटेल ले लेते हैं। जी विनीत बताइए। देखिए मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। अगर हम दतिया की बात करें, यहां पर हम लगातार 3 विधानसभाओं की यहां पर गिनती हो रही है, अगर सेवड़ा की बात करें, भांडेर की बात करें और दतिया की, तो दतिया बेहद अहम सीट है यहां पर। और जाहिर सी बात है कि एक हमने जब यहां के आम वोटरों से बातचीत की, जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी हम यहां पर थे, तो हमने जब उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस ने तमाम अपने मुद्दे उठाए, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात की जाए या तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने हाल ही में बहुत सारी ऐसी योजना लेकर आई जो जनता के प्रति बहुत ही ज्यादा अच्छी योजनाएं थी, और खासतौर पर युवा और महिलाओं ने उनको बेहद पसंद किया। और यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज थी जो पहले से ज्यादा अब बढ़ चुकी है, और जाहिर सी बात है कि जब बड़ी हुई वोटिंग परसेंटेज होती है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है, और वही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। लगातार वो नरोत्तम मिश्रा पहले से ही यहाँ पर लगातार विधायक है, इस बार कांग्रेस से दूसरी तरफ से जो है वो यहाँ पर राजेंद्र भारती है, लोकेंद्र नेताजी जो है वो बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई जीत का दावा जरूर कर रही है। लेकिन जो ताकत उच्च स्तर से लेकर नीचे बूथ स्तर तक, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके की योजना चलाई गई, तमाम आशीर्वाद योजना चलाई गई, ठीक बिल्कुल। यहाँ पर हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट भी लेंगे। इसके अलावा कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं वो आपको बता दें, करीब 1200 से वोटों से यहाँ पर पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है आपको बता दें कि बदनावर से राजवर्धन दत्तीगांव पीछे चल रहे हैं, करीब 1200 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, तो बड़ा झटका। और ये बड़ी खबर इस वक्त वहां से निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। संजय जी ऑडियो मिल पा रहा है आपको मेरा? तो फिर कांग्रेस इस वक्त जो पहले बहुमत के पास पहुंची, अब बीजेपी टक्कर देती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। सर देखिए अभी तो प्रथम चक्र पे चल रहे हैं और इसमें जो रुझाने आप दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, ये मात्र अभी एक रुझान है। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो 5 साल के अंदर माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति स्पष्ट है कि हम पूरी तरह से अवगत है कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। हमारा जो मिशन था आपकी बात 75 पार, अभी भी हम उस पर अड़िग हैं कि इस बार हमारी जो मिशन है उसको हम स्थिति को देखिए आप 75 पार अभी कह पा रहे हैं, अब तो ये रिजल्ट में सर अब रुझान है, अब कोई इसमें एग्जिट पोल तो है नहीं है। अगर शुरुआत में कांटे निकले, आपको लगता है कि इतना चेंज हो जाएगा कि वो 75 पार पहुंच जाएंगे आप और बीजेपी वापस 15 पे आ जाएगी? देखिए हमें अपने कार्यों पे भरोसा है। हाँ। जो 5 साल कांग्रेस ने जो कार्य किए छत्तीसगढ़ के अंदर माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में उनके फेस को लेकर के, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता हमें फिर से यह अवसर देगी। और हम जो लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, अगर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तो उसके करीब जरूर रहेंगे, ये हमारा मानना है। और अभी जो रुझानें दिख रही है, ये रुझाने अभी पहले चक्र पे आप देखते जाइएगा, थोड़ी देरों पे जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति दिखेगी एकदम